हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी हैं बजाज पल्सर की दो बहुत ही मतलब एडवांस ऑफरिंग। एक है आपकी N160 और दूसरी है आपकी N250। तो भाई बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है। इस ब्लॉग की सबसे बड़ी बात है कि इस समय मैं लखनऊ के एक्सप्रेसवे हाईवे से नहीं बात कर रहा हूँ, इस समय बैठा हूँ मैं बनारस में, काशी की नगरी। और मेरे साथ हैं द यूपी 65 रेसर्स। तो भाई आप लोग अगर इनका व्लॉग नहीं देखते हो तो एक बार जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, एक बार जाके चेक कीजिए इन लोगों के व्लॉग्स। बहुत ही ऑसम व्लॉग है। बनारस काशी की नगरी से हैं ये लोग और यहाँ पे मतलब व्लॉगिंग की इन्होंने स्टार्ट की और बहुत ही सही काम कर रहे हैं ये लोग। तो फाइनली इन लोग से बनारस आए हुए तो हमने कहा चलो मुलाकात करते हैं हम लोग और यहाँ पर करते हैं व्लॉगिंग साथ में। तो भाई ने अभी परचेस की है आपकी N160 और हमारी N250 को आप जानते ही हो। वेट में हम दोनों के बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेरा वेट 82 kg है और भाई कितना वेट है? 43। तो मेरा 82 है, इनका 43 है, तो जस्ट डबल वेट है। इसीलिए हम इन दोनों बाइक को कंपेयर कर रहे हैं, एक आपका 160 और एक आपका 250 है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। तो एक बार स्पेसिफिकेशंस पे आ जाते हैं। 250 के बारे में आप जैसा कि जानते हो कि 24.5 PS की पावर जनरेट करती है और 21.5 Nm का टॉर्क। ऑन रोड लखनऊ में ये 165-167 के आसपास आ जाती है। बगल में है आपकी N160 जो कि बजाज की लेटेस्ट ऑफरिंग है। पूरी की पूरी आप देखो बिल्कुल ही आइडेंटिकल है बाइक, कोई डिफरेंस आगे से पता नहीं चल रहा है। सिर्फ सामने से अगर आप देखोगे तो जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो आपके N250 में आपके LED हैं तो छोटे से हैं, इसमें आपके हैलोजन बल्ब लगे हुए हैं तो थोड़े से बड़े हैं, बाकी और कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। साइड से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पीछे एग्जॉस्ट दिख रहा होगा 250 में, इसमें आपको एग्जॉस्ट नहीं दिख रहा है। तो यही दो विजिबल डिफरेंस है, बाकी ऐसा कोई विजिबल डिफरेंस नहीं है, पूरी आइडेंटिकल बाइक्स हैं। पावर में जैसा कि डिफरेंस मैंने आपको 250 के बारे में बताया दिया है, N160 जो है उसकी पावर अगर बात बता दूं आपको तो 16 PS की पावर जनरेट करती है और 14.65 Nm का टॉर्क। तो ये है आपकी दोनों गाड़ियाँ। तो एक बार करते हैं ड्रैग रेस। मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा है, 82 है, तो मैं 250 चलाऊँगा। भाई का 43 है तो वो आपको N160 चलाएंगे और एक बार कंपेयर करेंगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की परफॉर्मेंस में। तो ये है आपकी ड्रैग रेस। और ये देखिए N250 इजली आगे निकल गई है लॉन्च में। लो भैया आगे आ गए हैं, ये गई N250 में पावर है भाई, विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा इधर और बहुत ही ज्यादा विंड ब्लास्ट है यहाँ पे। आप देख पा रहे हो 124-125 इसने अचीव कर ली है। पांचवें गियर में 127 आ गया है, 132 आ गया है और 135। बहुत ज्यादा विंड ब्लास्ट है, वो N250 से जा रही है। ये डिफरेंस है भाई 122, 136, 137, 138। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ मेरे को मतलब इसको टॉप स्पीड में ले जाने की ज़रूरत है क्योंकि 138-139 ऑलरेडी चल रही है। 122 पीछे जो गाड़ी आ रही है उसकी टॉप स्पीड ही आपकी 128 के आसपास है। तो कोई ऐसा फायदा है नहीं इस रेस को और ज़्यादा कंटिन्यू करने का। देखा आप, दूसरे राइडर ने भी गाड़ी धीरी कर ली है।
अब हम लोग करने वाले लेन चेंज, और यहाँ की रोड्स का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो सामने वाला बंदा जैसा जैसा करेगा मैं वैसा वैसा करूँगा। तो यदि आपकी फर्स्ट ड्रैग रेस और आपने देखा कि इनिशियल में ही 250 है वो इजली आगे निकल गई और उसके बाद लीड बनाई और खट से 135-138 तक पहुंच गई, और इस बाइक की आपकी टॉप स्पीड ही 128 के आसपास है, तो जाहिर सी बात है इसको बीट नहीं कर पाती, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यार। प्राइस में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है, बनारस में मैंने पता किया है तो 160 का जो प्राइस है वो आपका 1,57,000 रुपीज़ की ऑन रोड पड़ी है। लखनऊ में ये 1,65-1,66 के आसपास ऑन रोड आती है, तो सिर्फ और सिर्फ 7-8,000 रुपये का अंतर है, बट परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। बट एक और चीज़ है कि सिर्फ परफॉर्मेंस आप मत देखिए, आप ये देखिए माइलेज में कितना ज़्यादा अंतर है। ये अभी मैं लखनऊ से आ रहा हूँ तो मतलब बहुत ही कम माइलेज दिया यार, मैं टॉप स्पीड में चला के आ रहा था, दो लोग बैठे थे तो 24-25 का इसने मैक्सिमम जो होता है 24-25 का माइलेज दिया मैक्सिमम, और इसका माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से 35+ तो ईजिली दे देगी, 40 भी दे सकती है ना, 40 आराम से दे सकती है। तो ये है, तो अब यहाँ से हम लोग लेन चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे भी कितनी इजली गाड़ी आगे निकल चुकी है 250। लो भैया निकल गए, निकल गई N250 में पावर है भाई, पावर। चौथे गियर में हूँ मैं और बहुत ही आगे निकल चुका हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा एक कर्व है, अब देखो 123, 126, 128। स्लिप स्ट्रीम को मौका भी नहीं मिल रहा, वो जा रही है 250। और ये आपका देखो 135, 136, 137, 138, 139, 140, वो जा रही है भाई। थोड़ा स्लिप स्ट्रीम मिल जाता 126, गैप यही है लेकिन 126, 127, 128, 128। इससे ज़्यादा ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ऑलरेडी 140 आ चुकी है ये गाड़ी, और इससे ऊपर ले जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि 140 आ चुकी है, इतनी ज़्यादा लीड बनाई हुई है, और वो वाली गाड़ी आपकी 128 के ऊपर जाती नहीं है जितना मैंने सुना है। जाती भी होगी तो 130 ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी, 132 जाएगी, 140 तो सोच भी नहीं सकती। तो ये थी आपकी ड्रैग रेस, और जैसा कि आप जानते हो दोनों ही रेसेस में N250 विनर है, बट यहाँ पे विनर लूज़र वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मिलने आए थे UP65 रेसर्स के साथ, और जब मिले थे तो कुछ ना कुछ तो ब्लॉग शूट करना ही था, तो हमने कहा कि भाई दोनों बाइक्स हैं, बड़ी बाइक और छोटी बाइक, इन दोनों का कंपेयर एक बार कर लेते हैं, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं एंड करता हूँ। चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो इसी तरह प्यार बनाए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। दिस इज़ राम सोलो ट्रैवल साइनिंग ऑफ।